बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह पाक के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में हम छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे। छोटे बच्चे जो ज़िद करते हैं, सोते नहीं हैं, और अगर सो जाएं तो रात को बार बार रोते रहते हैं और उनकी आँख खुल जाती है। ठीक है जी, तो ये अमल इन बच्चों के लिए है और उन माओं के लिए है जो ख़ुद भी सो सकें और उनके बच्चे भी सुकून से उनको सोने दें। आपने ये अमल करना है तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, आपको सुकून होगा। अगर आपका बच्चा सुकून से सोएगा तो आप भी पूरी रात सुकून से सो। लाइक कर लो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल की लिए बेटी का भी दुआ कीजिएगा। ठीक है जी, दुआओं की बेशक हम सबको बहुत ज़रूरत है। इस अमल की वजह से आपका बच्चा इंशाल्लाह इंशाल्लाह पुरसकून नींद सोएगा। रात को सोते वक्त आपने क्या करना है जी? जब आपका बच्चा सोने लगे, आपने 21 बार पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 टाइम। ठीक है, आपके घर पे अगर एक बच्चा है तो भी, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो भी आपने 21 टाइम्स ही पढ़नी है। पढ़कर आपने बच्चे पे दम कर देना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपका बच्चा पुरसकून नींद सोएगा। शुरू और आखिर में आपने दुरूद पाक 3 बार पढ़ना है, बच्चे पे दम कर देना है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में अपने बच्चे में एक फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि इस अमल से आपको कितना सुकून मिला और आपके बच्चे को कितना सुकून मिला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी ये मेरी बेटी पीछे पीछे बोल रही है और मैं, अब मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और मैं उन पर यही चीज़ें ट्राई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे।